राज के महरों आओ गम खारो, इश्क का मुझसे माजरा सुन लो, दुखिया दुखे ताजे आने हैं और गमे जाना मुर्ग सज पानी में। याद आती है आती मुझको परहानी, अरे तुमसे कहा भी था पानी का मशकीजा उठाना नहीं भूलना। सरदार वाकई मुझसे कोताही हुई है और इस कोताही की सजा भी तुम खुद तजवीज करो। सजा और जजा तो हुक्मरानों की अता है। शायरी मत करो, मुझे प्यास लगी है। प्यास से तो मेरा भी बुरा हाल है, आप परेशान ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आज से चंद सौ गज फासले पर मीर मंदोस का हल्क है, वहाँ चलकर सैराब होते हैं। बहुत दूर तो नहीं है? दिल से दूर ना हो। फिर से शायरी। अकुले सरकंद गमा बारा, क्या करा हानी हानी फिर था आसानी। संगोरानी छोए ना बेरी तेल कर पासा, शादिया पर सलाम दुरहानिया, पीतलो मूरत मूरत सर शमानिया, गुच्छाए बेली इस्ती इस्ती ने जरानिया, आन जाते बेगंजे जही मेरी मना दीवा दीवाना अमीरिया। ये तुम्हारी मंगेतर है? जी सरदार, आप तो जानते हैं कि मर्द अगर घरों में ना हो तो बलोच खवातीन ही बहरहाल मेहमान नवाजी करती हैं। ये आनी ही है मीर मंदोस की बेटी, मजबूरन मेहमानों के सामने आई है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात सरदार? वो ये कि मीर मंदोस बलोचों के उमरावे से हैं, ये शेखहीरियों से रिश्ता? सरदार असल वाकई कुछ और है। फरमाइए मीर, क्या खिदमत करूं? शेख, आपकी ये कनीज मुरादों के बाद पैदा हुई मगर इसे सेहत का एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। दुआ बंदी की तौफीक शफा अल्लाह के हाथ में है। मुझे यकीन है कि आपकी दुआ से इस बच्ची को सेहत कामला हासिल होगी। यहां
इंशाल्लाह अल्लाह सेहत देगा। बिस्मिल्लाह। वालिद साहब की दुआ से खुदा ताला ने उसे सेहत अता की और मीर मदोस ने बेटी के इख्तियार वालिद साहब को दिया। इस तरह तुम्हें एक बावकार रिश्ता मिला। सदा रिश्ते तो आसमानों में तय होते हैं और आसमानों के फैसले का हाल कोई क्या जानता है। यहां पीने को साफ पानी भी नहीं मिलता। वैसे देखने में आनी इतनी बेसलीका नहीं दिखती। क्या हुआ शेख? पानी जल्दी पिए शायद इसी वजह से। इतनी जल्दी भी क्या, कोई जंग तो नहीं हो रही? तुम रुक रुक कर पीते पानी मेरी तरह। जिस बात को मैं नागवार समझ रहा था उसमें कितनी हिकमत और जहानत है। इस दोशीजा को तो मोहल्लात और हरम की जीनत होना चाहिए। आसमानों के फैसले कौन जानता है, आसमानों में क्या फैसला हो चुका है। शेमुनी गाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम। शेह मुरीद खुश रहें, आप जैसे फन के कदरदानों की खिदमत में कुछ पेश करने की इजाजत है? गाइए, जरूर गाइए, मगर कोई ऐसा गीत गाइए जिससे दिल के तार झंझना उठे। हजूर हम तो जदी पुश्ती गाने वाले हैं, दरबार तक हमारी रसाई है। बेशक ऐसा ही होगा, मगर ये नाशनासाओं की नहीं शनासाओं की महफिल है। बिस्मिल्लाह करें।
माताई रं शर्तरे माँ उबारे जो माचार दियो स्थान पर बाजुरी दोषी का जो माचार दियो स्थान पर बाजुरी दोषी का जो माचार तुमने जिस खूबसूरती से हमारा कलाम पेश किया, इनाम में क्या पेश करूं? हजूर, आपकी खुशनीदी ही हमारा इनाम है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? मांग कर देख लो, दाद और दहेज में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। सोच लीजिए हजूर। बख्शिश में तजब्जुब मेरी आदत नहीं, मांगो मेरी शिराजी शमशीर, मेरी सबक रफ्तार मरकब, मेरी कमान तरकश, मेरी ढाल। बिलाशुबा कीमती चीजें, मगर मगर हम तो... मगर हाँ, मांगो बाबा। हमें तो इनाम में मशबू हानि चाहिए। कौल की पासदारी, बात पर मर मिटना। कौल की पासदारी, बात पर मर मिटना। मसलन? मसलन ये कि मौत हमें खौफ ज़दा नहीं कर सकती। सरदार मकौले दे हमारा जस्त है। इजाजत है। मैं मीर है बताऊं, ये कौल देता हूं कि जिसका ऊंट भी मेरे गले में शामिल होगा, मैं वो ऊंट वापस नहीं करूंगा, चाहे वो ऊंट सरदार चाकर का क्यों ना हो। सरदार साहब जाते, मैं कौले उठो गश जाड़ो। मैं मीर जाड़ो खान ये कौल देता हूं कि जिसने मेरे दाढ़ी पे हाथ लगाया, मैं उसका सर कलम कर दूंगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। शेख मुरीद, तुमने कुछ नहीं कहा? सरदार इजाजत है। इजाजत है। मैं शेख मुरीद ये कौल देता हूं कि जुमेरात के रोज जो कोई भी मुझसे जो कुछ तलब करेगा, मुझसे पाएगा, चाहे वो मेरी कितनी कीमती शय क्यों ना हो। जाओ, मैंने तुम्हें हानि बख्श दी।
जब तुम जानते थे ये सब धोखा है तो तुमने ऐसा क्यों किया? देखो हानी, सवाल मत करो। कैसे सवाल ना करो? एक गवैये के सवाल पे जब तुम मुझे सौंप सकते हो तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुमसे एक सवाल करूं? पूछो, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं वो वाली हानि नहीं है जिसे तुम प्यार करते थे? तुम अब भी वही हानि हो, वही मासूम सी हानि। तो फिर हौसला करो हानि, शायद विशाल हमारी किस्मत में नहीं। तुम अपना कॉल वापस ले लो। ये नामुमकिन है यानी नामुमकिन। हो सके तो मुझे माफ करो। रुक जाओ, मुझे भूल जाओ यानी भूल जाओ। Oh.